अच्छा जी, तो अभी जो हम लोग किंग फहद डोर के पास आए हुए हैं और यहाँ पर जो है ये मदीना हिल्टन है और साथ में यहाँ पर है ये होटल मॉडर्न। तो अभी तक हम लोग जो है नाश्ता नहीं किया और आज हमारा नाश्ते का प्लान है कि आज हम लोग कहीं नाश्ता करेंगे तो किसी ओपन बुफे में करेंगे। तो चलें देखते हैं। और ये थी मस्जिद नबवी। तो देखते हैं कि यहाँ हम लोग कहाँ पर जो है वो करते हैं ओपन बुफे नाश्ता करते हैं। मगर उससे पहले जैसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं हूं हसन जमान और आप सभी को मेरे ब्लॉग में खुश आमदीद। मुस्तफा मुस्तफा मुजतबा मुस्तफा मुजतबा मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमन ابدا على حبيبك خير خلقك। अच्छा जी, तो हम लोग को जो है वो मदीना हिल्टन का नाश्ता पसंद आया। तो यहाँ पे इनके पास यहाँ पे बॉइल्ड एग्स हैं, फिर यहाँ पे इनके पास सॉसेज हैं, फिर यहाँ पे आ जाए इनके पास वाइट बीन, इसको फसले कहते हैं। यहाँ पे इनके पास जो है वो स्क्रैम्बल एग है, फिर यहाँ पर जो है इनके पास फ्राइड नगेट्स हैं, यहाँ पर जो है वो फ्राइड वेजिटेबल्स हैं और साथ में फलाफल हैं, और फिर यहाँ पर जो है इनके पास ये मैश पोटैटो है, और यहाँ पर इनके पास यहाँ पे दाल है, और यहाँ पे चिकन करी है, और यहाँ पे इनके पास वाइट राइस साथ में कीमा, और लास्ट इनकी मेन डिश है वो है ये ब्रेड पडिंग। और ये आती है आप लोग इनके ब्रेकफास्ट दिखाने की, तो हमने ये इनकी प्लेट बनाई है अपनी। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रैम्बल एग है, सॉसेजेस हैं, नगेट्स हैं, फलाफल हैं, चिकन करी है, मैश पोटैटो, और यहाँ पर हमने ले लिया था इनका अचार, और साथ में आप यहाँ पर इनकी ब्रेड्स हैं और जूस। और सबसे अच्छी बात जो है वो सबसे खूबसूरत मंजर जो है वो है ये मस्जिद नबवी का। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो आप लोग की पसंद का अंडा मिल सकता है, ऑमलेट हो, फ्राइड एग हो, जो भी हो वो आप लोग यहाँ पे बस। यहाँ आते हैं इनके फ्रूट्स और थोड़ी बहुत यहाँ पे जो इनके डेजर्ट्स हैं। और यहाँ पर आते हैं इनके सीरियल्स और मिल्क। ये देखिए, यहाँ पर जो है आप लोगों को अगर पैनकेक्स चाहिए गर्मा गर्म तो ये आपको उसी वक्त जो है इसमें से निकाल के दे देगा। बेका खैरे खल्क कुल्ली मुस्तफा। तो यहाँ पे देखिए सेवैयाँ भी हैं, तो ये कहते हैं ये पाकिस्तानी हैं, इनके जो इनके शेफ्स हैं पाकिस्तानी हैं, और यहाँ पे बस है कि मुख्तलिफ टाइप की सॉसेस हैं, और यहाँ पे आता है ओट यानी कि दलिया, और फिर यहाँ से शुरू होती है इनकी सैलड जोन। यहाँ पास तमाम किस्म के जो है वो सैलड्स हैं, और यहाँ पे शुरू करेंगे यहाँ से जुबन का चीज़ प्लेटर्स, चीज़ कॉर्नर जैसे कह सकते हैं। यहाँ पे बस मुख्तलिफ टाइप की चीज़ हैं, मोटरेला से मुस्तफा मुस्तफा मुजतबा दरूदुन पर सलामुन पर यही कहना खुदा का है
खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वो ही सरदार आलम है, वो ही गमख्वार उम्मत है, वो ही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है, वो ही सरदार आलम है। अच्छा जी, तो यहाँ से जो है हमारा राउंड टू शुरू हो रहा है, और राउंड टू हमारे पास देखें यहाँ पे ऑमलेट है, साथ में जूस और ब्रेड है, और यहाँ पास तीन किस्म के जो हैं कि ये इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास पफ टाइप है, डोनट है, और एक छोटा सा केक है, उसको एंजॉय करते हैं और फिर देखते हैं हम राउंड थ्री में। चलिए तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो सुखड़ी खजूर और साथ में अरेबिक कॉफ़ी भी है, तो यहाँ से जो है अरेबिक कॉफ़ी ट्राई करते हैं अभी। देखिए यहाँ पर अरेबिक कॉफ़ी और साथ में खजूर। अच्छा जी, तो इसके साथ हमारा जो है अब राउंड थ्री शुरू होता है, और राउंड थ्री में देखें हमारे पास यहाँ पर दलिया है यानी ओट, अरबी में इसको शुफान कहते हैं, साथ हमारे पास यहाँ पर शहद और जैम्स हैं, और अरेबिक कॉफ़ी और साथ में खजूर हैं। तो ओट के अंदर जो है हम लोग दलिया के अंदर जो हम लोग लाजमी शहद डालेंगे, तो ये देखें वहाँ है थोड़ा शहद, और ये देखें ओहो, अब जो दलिया का मज़ा होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो ये हमारा जो है फोर्थ राउंड है, और देखते हैं कि हम लोग कितने राउंड लगाते हैं सर। यहाँ पर देखिए वेफल्स हैं और साथ में पैनकेक्स, और यहाँ पर दूध चाय और वही खूबसूरत सा व्यू। अच्छा जी, तो नाश्ता वास्ता हमने कर लिया, और ये इनकी लिफ्ट है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बहुत ही अच्छी लग्जरी लिफ्ट है भी यहाँ पे, क्योंकि बड़ी उम्र का हो तो वो उसमें बैठ भी सकता है। तो निकलते हैं बाहर मदीना हिल्टन से और चलते हैं अब हरम की तरफ। आपका खबर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इंडोनेशिया। या ओके, थैंक यू। खाना खा के जब हम लोग नाश्ता करके जो हम लोग आगे मसनबी की तरफ चलते हैं, वजू करते हैं और फिर चलते हैं मसनबी के अंदर, और जोहर पढ़ के फिर जो ब्लॉक इंशाल्लाह एंड कर लें। चलते हैं मसनबी के अंदर, और हम लोग जो एंटर हो रहे हैं वो हो रहे हैं गेट नंबर 19 बदर से। तो आइए चलते हैं। तो बात करते हैं मदीना हिल्टन की ब्रेकफास्ट की, ओपन होगी तो ये हमें पड़ा था 86.25 का। वैसे इनका ब्रेकफास्ट जो है वो है 115 रियाल का, मगर आज सैटरडे था तो इनके पास जो है वो सैटरडे को ऑफ़र होती है शायद, हमें पड़ा ये 86.25 का। तो ओवरऑल इनका ब्रेकफास्ट जो था वो मज़े का था, अच्छा था, मगर हमने जो इनके सारे आइटम जो है वो ट्राई नहीं किए, हमने इनके जो है कुछ मेन आइटम ट्राई किए, कुछ इनके हमने जो है वो क्या कहते हैं हमने इनके जो बेकरी आइटम्स हैं ट्राई किए। तो अभी जो है जोहर की अजान का वेट कर रहे हैं, अजान होती है नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह जो ब्लॉग एंड करेंगे। अभी हमने बैठे हैं मस्जिद नबी के अंदर, तो ये देखिए माशा तबारक मस्जिद नबी जो है, मस्जिद नबी का खूबसूरत मंजर। अच्छा जी, तो जोहर की नमाज पढ़कर अब हम लोग निकले हैं बाप बिलाल से, तो चलें अब चलते हैं वापस होटल की तरफ। और ये देखिए हम लोग जो निकले अभी गेट नंबर 38 से निकले, और ये जगह आप लोगों को नज़र आ रही है, जगह बंद है, ये जगह है रियाल जन्ना की, जो जो लोगों के पास अपॉइंटमेंट मिलते हैं रियाल जन्ना के लिए वो लोग जो है यहाँ से एंटर होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबकी कहते हैं दुआएँ कबूल करें। और ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत सा मज़ा मंजर। अच्छा जी, तो यहाँ देखिए ये जो है जनाजे निकल जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मगफिरत करे। और ये जनाजे जो मसनबी में पढ़ाए जाते हैं हर नमाज के बाद,
तकरीबन वो जो है जनरल वकी में इन लोगों को दफन किया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छा जी तो ये देखिए यहाँ पर जो तमाम बसें जो खड़ी हैं ये सारी दमाम की बसें हैं, दमाम जुबेल खोबर यहाँ से जो आप लोगों को बसें मिल जाएगी। और ये इलाका मैंने आपको पहले बताया हुआ, ये है आई खैल अवाली है और यहीं पे जो आके तमाम बसें रुकती हैं, दमाम जुबेल खासा रियाद भी इसमें आप लोग जा सकते हैं, ये आप लोग रियाद में रास्ते में रियाद भी छोड़ देगी। तो चलें चलते हैं होटल की तरफ, ये देख सकते यहाँ पर भी खड़ी बसेज, ये एक इधर खड़ी है एक वो खड़ी है, सारी बसें जो है दमाम की हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे कि बस ये खड़ी है, कुछ वहाँ खड़ी हुई हैं, तो सब बसेज दमाम की हैं। ये देखें बसेज जो हैं, तमाम बसेज यहाँ पर जो खड़ी हुई हैं सब और सब दमाम की हैं, दमाम जुबेल। और ये जो बिल्कुल खड़ी होती है ये होटल है फंदक अरताल तैबा, इसके साथ जो खाली मैदान है इधर लोग खड़े होते हैं। अच्छा जी तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर तो पसंद है इसको लाइक करें ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो ही गम ख्वार उम्मत है वो ही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है।